नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना साड़ी कलेक्शन जो मेरे पास है। तो मैं कुछ, आज संडे है तो ठीक कर रही थी अपना कबर्ड वगैरह, तो मुझे आइडिया आया कि मैं थोड़ा अपना साड़ी कलेक्शन की वीडियो बना लेती हूँ। तो दिखाती हूँ आपको मेरी ज़िंदगी की पहली साड़ी जो मेरी थी। वैसे तो हम मम्मी की या किसी मामी की, चाची की पहनते थे साड़ी, मगर जो मेरी अपनी साड़ी थी जो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहली बार गिफ्ट करी थी वो ये वाली है। तो ये मुझे बहुत प्यारी है। ये हमारी शादी नहीं हुई थी तब हम मुझे इन्होंने गिफ्ट किया था। ये देखिए, इसका पल्लू इस टाइप का था है मतलब। और ये मैं कभी कभी पहनती हूँ। ये वैसे जॉर्जेट है, इसमें साइड साइड में मोती वाला वर्क है। उस टाइम पे बहुत चला था ये। आई थिंक ये 2016 या 17 की बात होगी, तो तब इन्होंने मुझे ये साड़ी गिफ्ट करी थी। और साथ में एक ये थोड़ी सी हैवी साड़ी है, ये बाद में तह लगाऊंगी मैं। तो ये साड़ी एक लाइट वेट साड़ी भी है जो इन्होंने मुझे दी थी, क्योंकि मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी तो उसमें पहनने के लिए मुझे कभी कभी काम भी आई है। तो ये वाली साड़ी है, वो बहुत हल्की है, शिफॉन की। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, मगर थोड़ा वाइट है ये, इसलिए मैं इतना पहनती नहीं हूँ वाइट अभी आजकल, खासकर साड़ी। तो पर जब मौका मिलेगा तो पहनूंगी ज़रूर। ये है वो, मैं दिखाती हूँ आपको, रेड ये वाली। ये दो साड़ी है जिसमें साइड में बॉर्डर में मोती है। तो ये जो है ये मेरी सगाई की साड़ी है, फ़ोटो मैं साइड में लगा दूंगी। थोड़ी हैवी है ये, मैं कभी कभी पहन लेती हूँ पूजा वूजा में, पर मेरे पास रेड साड़ी बहुत सारी है तो ये बहुत हैवी है, पहनना मुश्किल है इसको। ये साड़ी है ये वाली ब्लू वाली, ये भी डीप ब्लू है। इसका मुझे ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा लगता है, ये वाला फूल। आई थिंक ये पल्लू है ना, हाँ ये थोड़ी वेलवेटिश वेलवेटिश होता है, वेलवेट पैटर्न में है। इसके बॉर्डर वगैरह सब वेलवेट में है और मुझे बहुत पसंद है ये साड़ी भी। ये मेरे किसी रिलेटिव ने दिया था मुझे, तो ऐसा आता है ये, कुछ कैसा आता है इस तरीके से भी आता है ये। नहीं ये नीचे है ना, सॉरी। साड़ी का कुछ कनेक्शन अलग है। ये इसका पल्लू है, ये इसका पल्लू है और ये ऐसे आता है। इट्स लुकिंग सो गुड। ये इसके बॉर्डर ये पूरे वेलवेट में है, ये भी मुझे बहुत पसंद है साड़ी। ये देखो, ये भी हैवी है पहनना, हमेशा मैं इतना वेयर नहीं कर पाती हूँ, मगर हाँ डेफिनेटली जब मौका लगेगा तो पहनते ही हैं। इसको भी अभी मैं तह लगा के रखूँगी। वेलवेट पैटर्न में मेरे पास एक और साड़ी है जो ये है। ये मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे दी थी शादी से पहले ही दी थी। ये भी सारी साड़ियाँ मुझे शादी से पहले ही दी थी इन्होंने, उसके बाद तो सब बहुत सारी साड़ी हो गई थी तब तक। तो ये है, इस तरीके से आ जाता है ये। ये हाफ एंड हाफ साड़ी है, हाफ एंड हाफ ही बोलते हैं ना, या डबल शेड साड़ी बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ये नीचे से ये ऐसा होता है और इसका पल्लू ये होता है ढकने के लिए। तो ये पूरा वेलवेट का है, नीचे से जो है वो थोड़ा मोटा ही कपड़ा है। ये भी अच्छा ही लगता है, ये मेरे ख्याल से इन्होंने ऑनलाइन मंगाया था। तो ये हो गया, ये कितनी साड़ी हो गई, 1 2 3 4 ना, 5 साड़ी मैंने आपको दिखा दी है। अभी और दिखाती हूँ मैं आपको अपनी फेवरेट साड़ी दिखाती हूँ, जो मेरी बहुत फेवरेट है, जो मैंने अपने मन से ख़रीदी है, वो है ये वाली साड़ी, वाइन कलर। इसका रानी कलर का ब्लाउज़ है, पल्ला है मतलब, और ब्लाउज़ भी उसी कलर का है। ये साड़ी मेरी बहुत फेवरेट है, इसकी फ़ोटो मैं लगाऊँगी आपके लिए। बहुत अच्छी लगती है ये साड़ी।
ये मैंने हैदराबाद से ली थी। 2 साल पहले मैं हैदराबाद गई थी, तो वहाँ पे नवरात्रि का सीज़न चल रहा था, तो उसमें थोड़ा ऑफ था, तो मैंने 2-3 साड़ियाँ वहाँ से ली थी। कुछ मेरी मम्मी ने दिलाई थी और कुछ मैंने अपनी पसंद से ली थी। तो ये मेरा बहुत फेवरेट साड़ी है, वाइनी कलर की, कलेजी कलर बोलते हैं जिसको, बोल सकते हैं। तो ये मैंने, ये भी अच्छी लगती है मुझे। हैदराबाद से मैंने बहुत सारी साड़ियाँ ली थी, तो मैं आपको हैदराबाद की साड़ी एक और दिखाती हूँ। ये है, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी साड़ी। ये मैंने एक्चुअली कस्टमाइज़ करवाई है। ये साड़ी जो है, कहाँ गया उसका पल्ला, मैंने एक ही बार पहनी है इस साड़ी को, किसी रिलेटिव की शादी में, उसके बाद मैंने नहीं पहना। तो इसका जो बॉर्डर है, आया था वहीं हैदराबाद से, तो वहाँ पे इजीली मिल गया था। मुझे पता नहीं है कि कितने रुपए मीटर था, क्या था। और ये जो इसके नीचे का कपड़ा है वो मिल गया था। ये साड़ी थोड़ी चुभती है, नेट की साड़ी है, इसलिए मैं इसको कम ही पहनती हूँ, मगर हाँ पहनती हूँ। एक ही बार पहना है अभी तक, तो किसी की शादी वगैरह होगी तभी पहनने के लायक है। वैसे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा चमचम है। ये साड़ी है मेरी, मेरी मम्मी ने दी थी मुझे ये साड़ी मेरी शादी के टाइम पे, जब क्या बोलते हैं उसे, हल्दी, सॉरी क्या बोलते हैं उसे, हरा वाला, मेहंदी, मेहंदी होती है, तब दी थी मुझे ये साड़ी मम्मी ने। पहन के इसका लुक अच्छा सा आता है। इसका बॉर्डर ये है, ये साड़ी भी मुझे बहुत पसंद है शादी की। ये भी सिल्क की साड़ी है, और शादी में मैंने साड़ी ही पहनी थी, लहंगा नहीं पहना था। तो ये साड़ी, अरे यार खुल गई, ये साड़ी थी। ये बहुत अच्छी साड़ी है, मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है इसका ब्लाउज अभी भी। ये साड़ी जो है येलो वन, ये मैंने आज तक पहनी नहीं है, इसको मैंने ब्लाउज़ वगैरह भी नहीं सिलवाया है। ये मेरी चाची सास जी ने दी थी मुंह दिखाई में। तो ये देखो, इसका लेस बहुत प्यारा है, एकदम हल्की साड़ी है, बढ़िया, बिल्कुल शिफॉन की। ये साड़ी एक और है जो मैंने मीशो से मंगाई थी। बहुत ही सस्ती साड़ी है ये, मतलब होगी आई थिंक 100 नहीं, 250 या 300 तक की साड़ी होगी ये। मुझे ब्लैक पहनने का मन था बहुत ज़्यादा, तो मैंने मंगाई थी ये साड़ी मीशो से। मीशो में अच्छा सामान मिल जाता है, और फिर इसको गोल्डन ब्लाउज के साथ चला लिया था, अच्छा लग रहा था। ये साड़ी भी हाफ एंड हाफ है, डबल शेड की साड़ी है, तो इसमें भी थोड़ा सा वेलवेट का काम करा हुआ है, तो ये पहन के बहुत अच्छी लगती है। इसका जो नीचे का पल्ला है वो ब्राउन है, और ऊपर जो है वो येलो है, डबल शेड की साड़ी है ये। ये भी मुझे बहुत पसंद है, साड़ी ही पसंद है मुझे, इसलिए मैंने रखी है। ये है मेरी, अब मैं आपको दूसरी साड़ी दिखाती हूँ। उस टाइम पे सारी बॉर्डर वाली साड़ी चलती थी कुछ साल पहले, अब तो सब शिफॉन वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये है मेरी दीदी की शादी में मैंने पहनी थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी। तो ये भी एक साड़ी है, ये भी अच्छी है, मगर इसका ब्लाउज़ अब मुझे बिल्कुल नहीं आता, ऑफ कोर्स कहाँ से आएगा। एक और साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये साड़ी है जो मैंने हैदराबाद से ली थी, और ये है पट्टू सिल्क साड़ी। तो ये तेलुगु की बहुत ही फेमस साड़ी होती है, वहाँ पे मिलती है, तो ये पट्टू सिल्क है बिल्कुल प्योर। तो ये मुझे कम से कम पड़ी थी शायद 5,000 की, 5,000 की पड़ी थी उस टाइम पे, बोलना पड़ चा उस टाइम पे पड़ी थी, अब पता नहीं मुझे रेट का कुछ भी। तो ये इसका पल्ला है,
गोल्डन है और ये शेड चेंज भी हो जाता है इसका धूप में, तो ये साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। ये भी मैंने एक ही बार पहनी है शायद दशहरे में, दशहरे में हम लोग नए कपड़े पहनते हैं तो दशहरे में ही पहनी थी एक दिन बस, उसके बाद मैंने आज तक ये साड़ी पहनी नहीं है। ये भी इजीली फोल्ड हो जाती है, जैसे इसको रखो वैसी हो जाती है ये। दूसरा दिखाती हूँ, एक सेकेंड लास्ट साड़ी दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाली, ये कलकत्ता का सिल्क है। ये मेरे हस्बैंड ने मुझे तीज में गिफ्ट किया था, पिछले तीज में शायद। तो इसकी भी साड़ी मैं डालूंगी, पहन के बहुत अच्छा लुक आता है इसका। सिंपल सी साड़ी है ये, कलकत्ता सिल्क मैंने कभी देखा नहीं है कि कैसा होता है, देखा नहीं था मतलब। तो ये है कलकत्ता का सिल्क साड़ी, ये पता नहीं सीधा कहाँ से उल्टा कहाँ से है, इतना मुझे दिमाग नहीं है इसके लिए, तो इस तरीके से आ जाता है। ये बिल्कुल प्लेन है, इसमें ब्लॉक्स का प्रिंट है, अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा तो। नाइस, हाँ खुल गई, इस तरीके से इसको हम फोल्ड भी कर लेते हैं। और ये इसका बॉर्डर है बस। ये इसका जो है वो बॉर्डर है, बहुत अच्छी साड़ी है ये भी। ये पता नहीं कितने की थी, मुझे नहीं पता, ये गिफ्टेड है माल है तो इसका रेट बताना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा है मुझे, तो इसलिए बताया भी नहीं है। तो बस ये साड़ी देखने में तो सिंपल सी है, मगर पहन के बहुत प्यारा लुक आया था इसका, इसलिए मैंने पहना था ये। सिंपल सी साड़ी है, बड़े बॉर्डर वाली, और इसका ब्लाउज़ बहुत अच्छा सिला था भैया ने, जिनको मैंने ये साड़ी दी थी। इसका पल्लू है, ये भी पहन के बहुत अच्छा लगता है। तो बस इसका ब्लाउज़ भी बहुत अच्छा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका ब्लाउज़ ऐसा आया था, एकदम सुंदर सा सिला था इन्होंने भैया ने। बैक में कोई डिज़ाइन नहीं है, फ्रंट में डिज़ाइन है, बहुत सुंदर सिल दिया था उन्होंने। जैसा कि पता है कि आपको पता है कि ऑनलाइन में जो है वो बहुत ही कम कपड़ा देते हैं ब्लाउज़ के लिए, मगर फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से सिल दिया था। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मेरे पास इतनी ही साड़ियाँ हैं अभी जो मैंने दिखा दी आपको। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।